आप सब नू सत श्री अकाल। दोस्तों जदों गर्मियां दा सीजन आंदा है तां सब तों वड्डी समस्या साडे लई इह हो जांदी है कि जिहड़ा साडा घर दा लोड है वह की सही है कि नहीं, क्योंकि घरां दे विच जदों असी काफ़ी सारे अपलाइंसिस लगाए हुंदे ने ते फिर कोई एक अद्धा अपलाइंस जदों असी नवां जोड़ना हुंदा है तां फिर असी सोचण लग जांदे आ कि असी अपना घर दा लोड हुण वधा लईए कि साडे घर दा लोड बिल्कुल सही है। ये सवाल ज़्यादातर उदों पैदा हुंदा है जदों घर दे विच एसी लवाना हुंदा है। एसी लवाण तो बाद सानू ये सोचना पैंदा है कि हुण साडे घर दा लोड जिहड़ा है वह सही है कि नहीं सही है। इस वीडियो दे विच आपां ये सारा कुछ जानते हैं कि घर दा लोड जिहड़ा है वह पहलां पता करना सीख लईए कि लोड है किन्ना, तो फिर जदों कोई नवां अपलाइंस असी ऐड करना है तो फिर किन्ना लोड साडे घर दा होर होना चाहिए। यह सारा कुछ आपां जानते हैं इस वीडियो दे विच। ये वीडियो शुरू करन तो पहलां सानू सपोर्ट करन दे लई चैनल जरूर सबसक्राइब कर लियो। हुण दोस्तों आपां गल करिए कि घर दा जिहड़ा लोड हुंदा है वह किद्दां कैलकुलेट करना है। जदों आपां नूं इह पता लग गया तो फिर आपां इह भी आराम नाल सीख लवांगे कि घर दे विच जदों नवां अपलाइंस जोड़ना है तो फिर घर दा लोड हुण वधाणा है कि नहीं वधाणा। सब तो पहलां तां तुसीं स्क्रीन ते देख लो कि घर दा लोड आपां जिहड़ा कि बिजली बोर्ड नूं दस्सिआ है सैंक्शन लोड जिहनूं आपां कहिंदे आ उह किन्ना है, उह आपां बिल दे विच SL करके लिखिआ हुंदा है, उत्थों आपां नूं पता लग जूगा कि घर दा लोड किन्ना है। हुण जदों आपां कोई AC या फिर कोई नवां इलैक्ट्रिकल अपलाइंस ऐड करना है तो फिर की जरूरी है कि ये लोड जिहड़ा है वधाणा ही वधाणा है तो की ये जाके बिजली महकमे नूं दसना भी जरूरी है? दोस्तों बिल्कुल जरूरी है। जे आपां इस तरह नहीं करांगे तो चैकिंग होने पर आपां नूं जुर्माना भी पै सकता है। वह जुर्माना किन्ना होगा वह भी आपां अगे वीडियो दे विच जानदे हां। सब तो पहला दोस्तों आपां ये सीख लीए कि आपां घर दा लोड जिहड़ा है वह किवें कैलकुलेट करना है। सब तो पहला आपां गल करिए कि घर दे विच टोटल लाइट पॉइंट्स किन्ने ने। जिहड़े स्विच नूं दब के अपने घर च लाइट जिहड़ी है चलदी है उसनूं असीं लाइट पॉइंट्स कहिंदे आ। वह तुसीं अपने घर च जिन्ने भी पॉइंट्स ने उहनां नूं गिण लो। जेकर तुहाडे घर दे विच दो लाइट पॉइंट्स ने तां वह 40 वाट दे विच गिणे जांदे ने, यानी कि दो बल्ब या फिर दो लाइट पॉइंट्स जिहड़े ने वह 40 वाट च। हुण आपां नाल नाल इक एग्जाम्पल भी लई जांदे आ ते समझी जांदे आ कि आपां इह कैलकुलेट किवें करना। मान लो तुहाडे घर दे विच 9 लाइट पॉइंट्स ने ते 9 लाइट पॉइंट्स नूं गिणिया जाऊगा 400 वाट दे विच, दो गिणे जाणगे 40 दे विच, 9 ने तां इहनां नूं 10 ही मान लिया जाऊगा, एक है तां वी 40 वाट च, दो ने तां वी 40 वाट। सो 9 बल्बां दा जिहड़ा लोड है वह हो गया 40 वाट या लाइट पॉइंट्स। उस तो फिर अगे आ जांदा जी फैन पॉइंट्स, यानी कि पखे, पखियां दे पॉइंट्स किन्ने ने, यानी कि स्विच किन्ने ने घर दे विच। जेकर 3 पखे ने तां उहनां दा जिहड़ा लोड है वह 60 वाट मन्निया जांदा है। हुण जे 7 पखे ने घर दे विच तां इह वाट बन गए 180, जिवें कि तुहानूं दसी है कि एक है तां वी 60, जे 3 पखे ने तां वी 60 वाट च ही मन्निया जाएगा। अगली चीज़ आ जांदी दी वॉल सॉकेट, वह प्लग जिहदे विच आपां जिन्हां नूं आपां स्विच भी कह दिंदे आ वह किन्ने ने। जेकर 4 वॉल सॉकेट्स ने तां इह जिहड़े गिणे जांदे ने 60 वाट दे विच। आपां एग्जाम्पल च 5 वॉल सॉकेट्स लै लैंदे आ, 5 वॉल सॉकेट्स दा जिहड़ा लोड है वह बन गया 120 वाट। फिर दोस्तों घरां दे विच पावर प्लग्स या पावर सॉकेट्स भी हुंदे ने। इह हुण की चीज़ हुई, पावर सॉकेट जिहड़े ने उहनां च गीजर पॉइंट्स, जिहड़े अपलाइंसिस की डिमांड ज़्यादा हुंदी है उहनां नूं असीं पावर सॉकेट्स दिंदे आ, वड्डे प्लग जिन्हां नूं कह दिंदे आ। ते इह अगर 4 ने घर च तां 1000 वाट च मन्ने जाणगे, 4 तों घट ने तां वी 1000 वाट दे विच ही। आपां एग्जाम्पल च मान लैंदे आ कि घर च 2 पावर सॉकेट ने तां फिर जिहड़ा लोड है वह इहनां दा बन गया 1000 वाट। उस तो बाद सब तो वड्डी जिहड़ी समस्या आती है गर्मियां दे विच जदों आपां AC लगाना हुंदा। हुण AC जिहड़ा है वह मन्निया जांदा है 2500 वाट दे विच 2 AC। जे घर च 2 AC ने तां तुसीं उस नूं 2500 वाट मनदे हो, एक है तां वी 2500। हाँ जेकर AC दे उपर प्रोपर लिखा होया कि इह किन्ने वाट दा है तां फिर तुसीं उह भी लै सकदे हो। सो हुण इस घर दे विच आपां मान लैंदे आ कि 1 AC है तां फिर इहदा जिहड़ा वाट बन गया लोड वह बन गया 2500 वाट। टोटल जे मैं जोड़ करना तां इह बन गया 4200 वाट ते 4.2 किलो वाट। हुण मान लीए कि इह एक एग्जाम्पल जिहड़ी आपां लई है, तुहाडा जिहड़ा SL है यानी कि सैंक्शन लोड है जिहड़ा कि बिल च लिखिआ होया उह है 3 किलो वाट, ते कनैक्टड लोड पूरे घर दा जिहड़ा कि तुसीं हुणी हुणी फाइंड आउट कीता है उह है 4.2 किलो वाट। सो दोस्तों AC ऐड करन तो बाद लोड दी रिक्वायरमेंट जिहड़ी है वह 1.2 किलो वाट वध चुकी है। सो इस लई जरूरी है कि तुसीं बिजली महकमे च जाके इस नूं वधा लो अपने बिल दे उपर। जे नहीं वधाओगे, अगर किसी अथॉरिटी ने किसी टाइम चैक कर लिया तां जुर्माना पवेगा।
ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੱਧ ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ 1.2 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਿੱਛੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ 1.2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵੱਧ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਡ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 370 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ACD ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ, ਇਹ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 370। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.2 ਇਹ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 740 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ SSC ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈਗਾ 450, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ। ਹੁਣ 1.2 ਵੱਧ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ 1.2 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1200, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ 1.2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 3940 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1940 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.2 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।